हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आज दो मूवी रिलीज हुई है, दो हिंदी मूवी और दोनों भी अच्छी है। एक है आर्टिकल 375 और दूसरी है ड्रीम गर्ल। सो आई विल बी गोइंग फॉर द ड्रीम गर्ल। सो फ्रेंड्स, फाइनली दो मूवी रिलीज हो गई है और देखते हैं कौन सी मूवी अच्छी चलेगी। आर्टिकल 375 भी अच्छी है और ड्रीम गर्ल बहुत एंटरटेनिंग और कॉमेडी है। उसको ऑलरेडी क्रिटिक्स ने 4 stars और 5 stars दे दिया है बहुत लोगों ने। लेट्स सी, आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए एंड आप लोगों को अपडेट करता हूँ कैसी मूवी है, क्योंकि आयुष्मान है मूवी में तो ऑब्वियसली उसने तो बहुत, वो तो अच्छा एक्टर है। उसकी लास्ट मूवी भी हिट थी आर्टिकल 15, तो अभी देखते हैं ये मूवी कैसी रहेगी। तो आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा। तो आई विल बी गोइंग टू फिनिक्स इन सम टाइम। सो आई सी यू गाइज, टिल दैट टाइम टेक केयर। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं बाइकला स्टेशन के यहाँ पे हूँ और मैं संजू को पिकअप करने आया हूँ। तो संजू कुछ टाइम पे यहाँ पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज बॉम्बे में, रात से बारिश थी बट अभी अक्टूबर का मंथ चालू हो गया, तो इट इज़ अक्टूबर हीट विच इज़ गोन टू स्टार्ट सून। और बहुत टेरिबल होता है मुंबई में अक्टूबर का मंथ। चलो फिर देखते हैं, अभी संजू आएगा फिर आई विल गेट बैक टू यू। फिलहाल तो मैं बाइकला स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ टैक्सी के अंदर और उसका वेट कर रहा हूँ। सो टिल दैट टाइम यू गाइस टेक केयर और मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कैसी है मूवी और कुछ फिनिक्स के बारे में भी अपडेट करूँगा। आज कुछ शायद नया अपडेट करने की कोशिश करूँगा। टेक केयर। सो हाय फ्रेंड्स, संजू इज़ बैक। तो संजू और मैं आज जा रहे हैं ड्रीम गर्ल देखने के लिए, जो आयुष्मान की मूवी है। अभी लेट्स सी थिएटर पर जाने के बाद हम लोगों को टिकट मिलती है कि नहीं। अगर टिकट मिलेगी तो अच्छा है और हम आप लोगों को बताते हैं फिर उसके बाद में कैसी है मूवी, क्या स्टोरी में लैकिंग है और कितनी एंटरटेनिंग है। तो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड लव टू ऑल। फाइनली हम लोगों ने टिकट्स ले ली है और ड्रीम गर्ल जा रहे हैं हम लोग। 12 बजे का शो है। फिलहाल तो हम लोग स्टारबक्स में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मूवी के लिए जाएंगे। लेट्स सी हाउ द मूवीज़। लोग तो आ रहे हैं मॉर्निंग शो, तो ज़्यादा लोग आए थे मॉर्निंग शो के लिए। अभी देखते हैं, हमारे शो टाइम के लिए भी काफ़ी सीट्स फुल हो चुकी थी बट एज़ इट इज़ फ्राइडे वर्किंग डे है तो शायद लोग कम आएंगे। बट आई एम डैम श्योर द मूवी इज़ गोना बी वेरी गुड और एंटरटेनिंग होने वाली है एंड इट्स गोना बी अ फैमिली एंटरटेनिंग मूवी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज और लेट्स सी, लेट्स होप।
सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग PVR में हैं और कुछ ही टाइम में मूवी स्टार्ट होने वाली है. बहुत एक्साइटेड है बिकॉज लोगों के मैंने रिव्यूज़ भी देखे और कुछ लोगों से बात भी किया मैंने जिन्होंने मॉर्निंग शो देख के आए हैं. और एवरीवन इज़ प्रीटी मच हैप्पी एंड दे आर सेइंग द मूवी इज़ एक्सीलेंट एंड इट्स गोना बी अ हिट. और बहुत खुश है सब लोग बिकॉज मॉर्निंग शो बहुत अच्छा लगा लोगों को मूवी देख के. तो अभी देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ मूवी के लिए और फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कैसी है मूवी. बट आई एम डैम श्योर मूवी इज़ गोना बी हिट बिकॉज ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं मूवी के. तो ठीक है, फिर आई विल सी यू सून फ्रेंड्स. टिल दैट टाइम टेक केयर. सो हाई फ्रेंड्स, आई एम बैक. सो द फर्स्ट हाफ इज़ ओवर. अच्छी मूवी है, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी लगी है, बहुत एंटरटेनिंग है. आप लोग ज़रूर आइए मूवी देखने के लिए. अभी इंटरवल हुआ है तो इंटरवल के बाद मैं सेकेंड हाफ के लिए जाऊँगा. बट फर्स्ट हाफ बहुत बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर आइए. और ये मूवी इज़ गोना बी अ हिट. इट इज़ अ हिट बिकॉज एक्टिंग एंड कॉमेडी एंड एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है मूवी. तो आप लोग ज़रूर आइए मूवी देखने के लिए. तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं अभी अंदर जाऊंगा और सेकंड हाफ देखता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा सेकंड हाफ के साथ में कि कैसी है सेकंड हाफ में. टिल दैट टाइम यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू सून. सो हाई फ्रेंड्स, द मूवी इज़ ओवर. बहुत अच्छी मूवी है, सेकेंड हाफ ओवर हो चुका है. बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सबने बहुत परफेक्ट एक्टिंग की है. मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. मैं ये मूवी को 4 स्टार देने वाला हूँ और मैं संजू को पूछता हूँ कि संजू को कैसी लगी. तो संजू बताओ कैसी लगी मूवी. डिड यू लाइक द मूवी. मुझे भी बहुत अच्छी लगी. लाइक आयुष्मान खुराना बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. आई थिंक दिस मूवी शुड गो एंड वॉच. बहुत अच्छी मूवी, फैमिली के साथ जाकर हम देख सकते हैं. यस, ये फैमिली फैमिली इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनिंग मूवी. बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी बनाई है और ये मूवी 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने के चांसेस है इस मूवी के बहुत ज़्यादा. बिकॉज बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सब कैरेक्टर्स ने अपने अपने रोल बहुत परफेक्टली किया है. मैं चाहूँगा कि आप लोग जाए और ये मूवी देखें. आपके जो भी पास के थिएटर्स हैं उसमें अमेजिंग मूवी. आई लव्ड इट एंड यू आई वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड वॉच इट. इट्स वेरी वेल मेड, बहुत अच्छी मूवी है. सो गाइज, विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. टिल दैट टाइम यू गाइज टेक केयर एंड लव टू ऑल.